जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। YBR फॉर ऑयल चेंज एंड ट्यूनिंग पर्पस। ऑयल इसमें से बहुत कम निकला है, ये देख रहा हूँ आप लोगों के सामने, लीटर होना चाहिए। गेज के ऊपर थोड़ा सा टच भी नहीं करा था, बल्कि बहुत ही कम ऑयल इसमें से निकला है। और अभी इंशाल्लाह इसकी प्लग्स पर खोलेंगे, बैटरी शर्ट निकाल के देखते हैं, वीडियो देखते रहिए। बैटरी कंडीशन इज बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही। पानी भी इसमें नहीं है, खुश्क है बैटरी। ठीक है जी, इसके सर्किट वगैरह सारे एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे पॉइंट, और फिर इंशाल्लाह इसको ये जी कवर खोलेंगे, इसको भी लगाते हैं चार्ज पे। इलेक्ट्रोलाइट लेवल पूरा करेंगे, ठीक है जी, इस तरह वन बाय वन। ठीक है जी, फिर उसको लगाते हैं चार्ज पे। नाउ द बैटरी इज अंडर चार्जिंग। YBR मैग्नेट काफ़ी ऑयली था, अभी मैंने उसको साफ कर दिया है, वैसे काफ़ी हद तक इसके अंदर ऑयल आया हुआ है। इसको भी साफ करेंगे, जी दोस्तों ट्यूनिंग जारी है YBR की। मैग्नेट इसको मैंने साफ़ कर दी, वैसे काफ़ी गंदा था, ऑयल लगा हुआ था इसके अंदर, इसमें भी काफ़ी ऑयल लगा हुआ था। ये देखें अभी भी लगा हुआ है, मैग्नेट सिस्टम जितना इसका होता है करंट प्रोड्यूस करता है। अभी आते हैं कार्बोरेटर की तरफ, तो ये इसका कार्बोरेटर, काफ़ी इसके अंदर कचरा था, ये मैंने खोल लिया है और उसका भी सफाई करके इंशाल्लाह इसकी फिटिंग करेंगे। मुश्किल नहीं है, जस्ट लाइक CD70 की तरह ही है, बस थोड़ा सा टेक्निक के साथ इसको खोलना पड़ता है ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, टूटे ना। बाकी इसकी इंशाल्लाह फिर फिटिंग करते हैं, ये कार्बोरेटर असेंबली है कम्प्लीट। ठीक है जी, यामाहा YBR ट्यूनिंग चैन लूज एंड ब्रेक इशू। ड्रम रबड़ इज वीक कंडीशन। Should be changed with new one. YBR. फ्रेंड्स, ये है ब्रेक शू, रियर ब्रेक शू, प्रॉपर ट्यूनिंग इज इन प्रोग्रेस। ये नहीं खोलते अक्सर, मैकेनिक ज़रा कहते हैं कि छोड़ो इस चीज़ को। मैंने कहा यार ये खोलने चाहिए ताकि पता तो चले कि क्या हिसाब है, इसमें भी प्ले है, इसको जो ड्रम रबड़ हैं
इसमें प्ले आई हुई है, बहरहाल इसको ही फिट करेंगे साफ करके, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है और चल सकते हैं फिलहाल। अगर प्ले है ये चीज़ होने नहीं चाहिए, बाकी की सफाई करके फिट कर लेते हैं। ब्रेक शू लेदर्स की भी और बाकी आइटम जितने खड़े हुए हैं अपनों के सामने।